मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। कब मुझे एड्स रन करनी चाहिए विरल? सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितना मुझे स्पेंड करना चाहिए? काफ़ी बार सेलर्स अपना गेस करते हैं कि मुझे अमेजोन की एड्स 10 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, मुझे रात को 2 बजे एड्स पे कोई लेता नहीं है। ये सवाल बार बार आके मुझे परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है वेयर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एग्जैक्टली द न्यू आवरली रिपोर्ट। इसका मतलब हर घंटे की रिपोर्ट जहाँ पर आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि एवरी घंटे में आपको अमेजोन पे क्या सेल आ रही है, क्या स्पेंड हो रहा है, क्या कन्वर्जन है, क्या एकॉस है और क्या इससे आप कर सकते हो। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको आइडिया आएगा कि आप जो सोच रहे हो वो गैस वर्क है कि वो राइट है, राइट। सेकेंड तो आपको एक डिसीजन ले पाओगे और सेकेंड चीज़ आपको ये मालूम पड़ेगी कि आपको आपका जो अमेजोन का बजट है वो कब ज़्यादा रखना चाहिए, कब कम रखना चाहिए। आइडियली जब ज़्यादा सेल्स आ रही है हम तब ज़्यादा बजट रखेंगे और कम आ रही है तब हम कम रखेंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डाउनलोड द रिपोर्ट, हाउ टू यूज सर्टेन मैनिपुलेशन एंड कैसे आपको मालूम पड़ता है एग्जैक्टली सो एनालाइज कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू ऑप्टिमाइज योर स्पेंड्स ताकि आपका सेल्स ज़्यादा आए और कम स्पेंड हो जब आपके पास ट्रैफिक या सेल्स ज़्यादा नहीं आती। ऑलराइट सर, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द कंटेंट। ऑलराइट, सो हाउ डू वी डू दिस? वी एक्चुअली will go to the reports over here, measuring reports, click on sponsor ads reports over here, okay, and then you can click on create a report. You want to go to sponsor products, aap jao sponsored campaigns, okay, products campaign, and this is the gold, right? Click on hourly, last 14 days, and then click on run report, okay. So I've already downloaded this report. I'm directly going to start with the Excel. So aapko run report karni hai, and then when you shut it down, you will actually get all the reports over year in some time. Okay, so I've already done this. I'm just going to share with you right now. Okay, so this is a report that you will get actually of the hourly data. अब मैं आपको ये report थोड़ा समझा देता हूँ, which will be like a really really good idea. Okay, now I'll just put this thing over here. Yeah, cool. And I'll put my video over here. Now you can see over here कि ये क्या बता रहा है? It is showing you campaign level data every day. कौन से time पे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमको कैंपेन में। तो अब इसको एनालाइज करने जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द एंटायर लिस्ट, राइट। ये सब कुछ सारे मैट्रिक्स दे दिए, तो इसको एनालाइज करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू एक्चुअली नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड यू नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड पिवट टेबल बनाना है। क्लिक ऑन पिवट टेबल एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब ये चीज़ें आ जाएगी हमारे पास। अब हमको करना क्या है? इसके अंदर हमको बहुत सारे मेट्रिक लेने पड़ेंगे। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, मैं आपको बताऊंगा एक एक मेट्रिक क्या लेना है। सबसे पहले तो हमको लेना है टाइम। सो ये आप ले सकते हो यहाँ पर, इसको क्लिक करके रोज में डाल दो, तो ये आपको टाइम वाइज पूरा का पूरा डेटा आएगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है इम्प्रेशंस, क्लिक्स, फिर उसके बाद आप ले लोगे स्पेंड, सेल्स, ऑर्डर्स, एंड वी विल टेक सेल्स, राइट। लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज राइट। स्पेंड, क्लिक्स, सब कुछ आ गया हमारा, ग्रेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें से लेंगे। अब हम करेंगे क्या? हम इसको कर लेंगे कंट्रोल सी और फिर इसको हम लोग यस, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है? इसको करना है कंट्रोल यस, इसको हम एक जगह कॉपी कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल सी कर लो इसे और इसे कॉपी कर लो यहाँ पर एक बार के लिए। ओके यस, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये किया है और मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा आपके लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे ये हमने बनाया था, ठीक है, अब हम डेटा को एनालाइज करेंगे। पहले इसको कर लो कंट्रोल सी, इसको फॉर्मेटिंग करनी है, इसको पेस्ट कर दो एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट वैल्यूज। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ फॉर योर नीड। ओके, ये डेटा हमको आ गया है। अब देखो ये सब चीज़ें निकल गई है, राइट। तो इसके लिए वी हैव टू गो ओवर योर जो मैंने शीट बनाई है, जैसे कॉपी कर लो कंट्रोल सी एंड कम टू कंट्रोल वी ओवर योर, कंट्रोल वी यस, रिप्लेस, बूम, एवरीथिंग इज राइट नाउ। अब इसको हम कर लेते हैं कॉमा में एंड देन आई विल शेयर विथ यू कि इसको एनालाइज हमको करना क्या है और कैसे ये पूरा रीड करना है डेटा, ठीक है, और इससे हमको फायदा क्या होगा वो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। जस्ट बी लिटिल बिट पेशेंट विथ मी राइट नाउ। ओके, कूल कूल। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। ओके, सो वी हैव डन ओवर योर, जैसे 12 o'clock को रात को आई गेट, मुझे इतने इम्प्रेशंस आते हैं, मुझे इतने क्लिक्स आते हैं, मेरा इतना स्पेंड होता है और मुझे सेल्स सामने इतनी आ रही है, राइट। सो यहाँ पर जो है इसको हम कहेंगे ऑर्डर्स, दिस इज लाइक सेल्स, दिस इज लाइक स्पेंड, दिस इज लाइक क्लिक्स एंड दिस इज लाइक इम्प्रेशन। ओके, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। वेरी एडवांस लेवल डेटा, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में कि रियल में अमेजोन पे हो क्या रहा है। और यही डेटा के थ्रू यू कैन ऑल्सो मेक डिसीजंस फॉर अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिकॉज लगभग बायर बिहेवियर सेम ही रहता है। अगर आपको 12 बजे यहाँ पर सेल नहीं आ रही तो वहाँ पर भी शायद नहीं आ रही होगी, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, बट हम अजम्पशन नहीं करेंगे, हम डेटा के थ्रू जाएंगे, राइट? ओके, कूल। सो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि 12 बजे मुझे 1,48,000 की सेल्स आ रही है, 1 बजे मुझे 68,000 की सेल आ रही है, 2 बजे 34। जैसे जैसे रात होती जा रही है मुझे सेल्स मेरी कम होते जा रही है और फिर से पिकअप होता है एग्जैक्टली 8 o'clock। अगर आप देख सकते हो 8 बजे से भयंकर लोग शॉपिंग पे आ जाते हैं वापस। दे वांट टू शॉप लाइक क्रेजी एंड दे वांट टू लाइक really do like you know a lot of stuff, and this is like a really really good insight ki when does the peak hour of your account starts. So you can see over here 8 a.m. is where the account is starting to pick up like 81,000, 1 lakh. 9 o'clock itself they are doing 1 lakh, 10 o'clock 1,06,000, 11 like you know like 12, and then you can see it continues and it drops again a little bit on 10 PM, राइट? 10 PM को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, लाइक इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग फ्रॉम 9 PM। सो 9 PM के बाद इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी इनकी सेल्स हो रही है फ्रॉम 9, 10, 11, 12। ये इनके पीक आवर्स, इतना आई वुड से लाइक इज द पीक आवर्स, दिस इज द गोल्डन फॉर देम, राइट? सो राइट फ्रॉम 8 टू दिस इज द गोल्डन पीक आवर। नाउ एनालाइज कैसे करना है डेटा को, इससे आपको फायदा क्या हो? एक तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारी सेल सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है और कब आ रही है, राइट? विच इज रियली रियली ऑसम। अब आपको ये समझना है, पहली बात तो ये एनालाइज करने के लिए आपका अकाउंट थ्रू आउट द डे फुल बजट पे होना चाहिए, तब भी आपका ये डेटा राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को आउट ऑफ बजट ही चले जाते हो तो ऑब्वियसली सेल्स आपकी कमी आएगी, बट अगर आप थ्रू आउट द डे बजट में हो देन इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? तो अब इसमें हम 2-3 चीजें और ऐड करेंगे जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ था। आई जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ। ओके, मैंने यहाँ पे बनाया था, इसको हम कहते हैं सेल्स परसेंटेज, सीवीआर, एकॉस एंड दिस। इससे हमको पूरा पूरा और बेटर आइडिया आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है? अब अगर हम देखें, इसको हम एक और चीज डाल सकते हैं इसमें, स्पेंड्स परसेंटेज। बहुत इंटरेस्टिंग सा यू नो एनालिसिस है। आई थिंक इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू एज वेल। ध्यान से देखना, डोंट वरी, गो बैक, वॉच इट अगेन अगेन इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि स्पेंड डिवाइड बाय टोटल स्पेंड, ठीक है? टोटल स्पेंड। अब टोटल स्पेंड में हम खाली इधर डाल देंगे डॉलर का साइन, ओवर ईयर एंड ईयर। कूल, ग्रेट। Now let's hold on with me, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। All these things, why are we doing what we are doing? Sales के अंदर भी यही करना है आपको, ये sales divide by total sales, you know over here, और यहाँ पर हम कर लेंगे dollar, we will also do dollar over here. Cool. Now we will double click over here and now I am going to explain you why we are doing what we are doing. So here, if you see, ओके, मेरा वीडियो इधर निकाल देता हूँ। ओके, कूल। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, मैं देख रहा हूँ कि कितना परसेंटेज हम स्पेंड कर रहे हैं ये घंटे में एज कंपेयर टू द टोटल स्पेंड दैट वी आर डूइंग, ठीक है? तो अगर आप टोटल यहाँ पर देखोगे तो वी आर स्पेंडिंग अराउंड, स्पेंड इज अराउंड 2,87,000 एंड 1,26,000 हम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब 9% स्पेंड कर रहे हैं हम लोग 12 बजे, और मुझे 8% की सेल मुझे 8% की आ रही है और 9% में स्पेंड कर रहा हूँ। तो इससे एक आइडिया आता है क्या जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ उतना मुझे सेल्स आ भी रहा है कि इट्स गोइंग रॉन्ग, राइट? तो ये थोड़ा हमको ओवर स्पेंडिंग में हेल्प कर देता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन लीव इट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CTR एंड, मतलब कितना मेरा क्लिक थ्रू रेशियो, इसका मतलब क्लिक्स डिवाइड बाय impressions, okay? And ACOS के अंदर हम करेंगे spend divide by sales, spend divide by sales, and CVR मतलब conversion यानी orders divide by clicks, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें आ गई, इसको हम percentage में डाल देंगे, cool over here, and then we will multiply, okay? And yeah, so let's see over here, इसको एक और point हम डाल देते हैं आगे, cool। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एकॉस कम और कन्वर्जन सबसे ज़्यादा मुझे कब आ रहे हैं, कौन से टाइम पे आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये भी पता चलता है कौन से आपके पीक टाइमिंग है। जैसे हम यहाँ पर अगर आइडेंटिफाई करें तो सबसे हाईएस्ट जो मुझे एकॉस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, देखो 21% यहाँ पर, राइट? एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरा क्लिक थ्रू रेशियो सब जगह सेम है, 2.4% इज कन्वर्जन विच इज़ गुड। और अगर मैं देखो ये टाइमिंग कौन सा है, 6 से 7 बजे देख सकते हो मुझे सेल्स भी इतनी नहीं आ रही है इसमें, एंड मेरा यू नो स्पेंड भी ठीक है, ठीक ज़्यादा है, इधर 3% है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यू नो ए कॉस्ट 22% है और सेल्स इतनी ज़्यादा है नहीं, और ये आई थिंक सुबह का काम है, 6 to 7 PM का टाइम है. इफ़ आई सी फ्रॉम 8 AM to 8 PM इज़ माई गोल्डन टाइम, सबसे ज़्यादा सेल्स मुझे तभी आ रही है. तो आई विल जस्ट कलर दिस इनटू कोई अच्छा कलर लेते हैं, ये बहुत सा अजीब सा कलर है. ना 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 लेट्स डू दिस, नहीं कलर में बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा हूँ. सो ओके लेट्स डू दिस, इससे अच्छा फील आ रहा है राइट. तो दिस इज़ द एकॉज आई मीन दिस इज़ द यू नो कलर हाई, सबसे हाई सेल्स वेलोसिटी तभी आ रही है मुझे यू नो. तो सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी हमारे लिए कि हम अमेजोन पे ऐसा बजटिंग करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट हम लोग 8 बजे से लेके 8 PM तक दे रहे हैं, और इसमें हमको कभी भी आउट ऑफ बजट नहीं होना है. लाइक वी हैव टू मेक श्योर दैट इन दिस ऑरेंज सेक्शन वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ बजट एनी टाइम, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा सेल्स हमको आ रही है एंड द बेस्ट ROI इज देयर. आपको अमेजोन पे करना कैसे पड़ेगा ये चीज़ इंप्लीमेंट, एक तो हमको ये डेटा से मालूम पड़ गया कि क्या हो रहा है मेरे अकाउंट में, कब सेल आ रही है कब नहीं आ रही है. फुल डेटा सेट चाहिए, इसका मतलब थ्रू आउट द वीक आपका अकाउंट चलना चाहिए, तभी जाके ये डेटा राइट आएगा, वरना ये डेटा राइट नहीं आएगा. जब अगर बजट ही नहीं है तो सेल ही नहीं आएगी तो पता ही नहीं चलेगा हमको क्या करना है. तो फुल डे अगर आपका अकाउंट बजट चलता है तो ही ये डेटा काम आएगा. अब हम क्या करेंगे, हम अमेजोन पे जाके इसको रूल बेस्ड बिडिंग कर सकते हैं. जैसे 8 o'clock से 8 PM तक हम अपनी कैंपेन्स को बजट दे सकते हैं. वो कैसे दे सकते हैं मैं आपको भी बताता हूँ राइट. सो आप आपके कैंपेन्स में जाओगे ओके. सो सबसे पहले तो आप जा सकते हो ये कैंपेन्स के अंदर, फिर आप जा सकते हो कैंपेन बजट कैंपेन सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर एक समथिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एड अ स्केड्यूल राइट, एड स्केड्यूल रूल्स. तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो उसको एंड आप दे सकते हो यहाँ पर राइट डेली मुझे ये टाइम से ये टाइम तक चाहिए. जैसे यहाँ पर मैं डालूंगा चूज द टाइम राइट. अब टाइम कितने बजे से कब कितने बजे तक देना है आपको. सो यहाँ पे आप डाल सकते हो लाइक 1% डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, अगर हम जाए तो 8 AM to 8 PM को मुझे चाहिए राइट. सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक डाल दूंगा मैं 8 PM to 8 AM, 8 PM to 8 AM, 8 PM 8 यहाँ पे जो बटन्स होंगे वैसे जाना पड़ेगा हमको. तो we can go with 8 AM which is 8 AM to 8 PM which is this right. तो यहाँ पर हमने डाल दिया और यहाँ पर हमने कुछ रूल सेट कर लिया, जैसे peak hours राइट peak hours. यहाँ पर हमको सबसे मैक्सिमम टाइम हमारा बजट चलाना है राइट. ऐड अ रूल, एक रूल आपने ऐड कर लिया तो आप देख सकते हो कि ये टाइम तक ही चलेगा. नेक्स्ट आप डाल सकते हो दूसरा टाइम स्लॉट जो हमारा यू नो ग्रे वाला है, लेट्स से यू नो या तो रेड वाला ले लेते पहले हम लोग एक बार 2 PM to 7 PM. तो आपको एक और स्केड्यूल ऐड कर देना है जहाँ पे चूज अ टाइम 2 PM to 7 PM. तो वैसे करके आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा राइट, 2 PM to 7 PM. अब आप देख लेना यहाँ पे, आई एम नॉट डूइंग द एंटायर थिंग फॉर यू. 2 PM to let's say 7 PM. यहाँ पर आप डाल सकते हो लाइक यू नो लो ट्रैफिक समथिंग जो भी है आपका राइट, लो ट्रैफिक ओवर यार. तो आप यहाँ पर ऐसे आपका यू नो पूरा का पूरा डाल सकते हो. इसको कहते हैं हम डे पार्टिंग. अब ये एग्जैक्टली वैसे नहीं कर सकते जैसे जैसे हमको करना चाहिए. इससे भी बेस्ट रूल ये हो गया पीक आवर्स के लिए, बट मेरे हिसाब से तो बेस्ट रूल जैसे आपको करना चाहिए मैनेज, ये करोगे तो भी ठीक है, बट अगर ये नहीं करना है तो बेटर आइडिया है आप जाओ अमेजोन के अंदर एंड आप कैंपेन मैनेजर के अंदर चले जाओ एंड ओवरऑल बजट सेट कर दो. यहाँ पर सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर बजट सेट कर लो. लेट्स सपोज अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था पीक आवर मेरे ये है राइट, कि ये वाले मेरे पीक आवर्स है, अगर आप देख सकते हो तो राइट. 11,72,000 की सेल्स में इसमें कर रहा हूँ. तो यहाँ पर अगर आप मैं देखूँगा तो मेरा बजट मैं सेट कर सकता हूँ. जैसे अगर मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं सेल्स कब जनरेट कर रहा हूँ, ये पूरे टाइम में मैं सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 70% की सेल्स जनरेट कर रहा हूँ ठीक है. सो अगर मैं 70% की सेल्स जनरेट कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज अगर मैं पर डे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर मैं पर डे अगर मैं 70% सेल्स ये टाइम पे जनरेट कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज मेरी पर डे की सेल्स 1000 है. तो लेट्स से पर डे की स्पेंड मेरी 1000 है, तो मैं ऑलमोस्ट 70% मेरा स्पेंड ये टाइम पे करूँगा. तो आपको यहाँ पर बजट मॉर्निंग में उठ के डालना पड़ेगा 700 to 700 ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया आपने। फिर ये जैसे 8 बज जाएंगे या तो टाइमिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद वापस आपको चेंज करना पड़ेगा आपका बजट। सो ऐसे करके आप डेटा मैनेज कर सकते हो आपका। एंड जब रात का टाइम हो जाए, जब आपको चलाना ही नहीं है ऐड, तो यू कैन जस्ट पुट लाइक कैंपेन बजट इक्वल्स टू 1 रुपीज़ और यू नो 50 रुपीज़ बस। तो उतना ही स्पेंड होगा, फिर पूरा का पूरा अकाउंट आउट ऑफ बजट चला जाएगा। एंड मॉर्निंग अगेन आपको 8 o'clock उठ के ये चीज़ करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर अकाउंट। ऑलराइट, आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ रियली रियली गुड वैल्यू अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका अकाउंट कब सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, कब स्पेंड प्रोड्यूस कर रहा है, कब आपको इफेक्टिवली ऐड रन करनी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम सेल्स एट द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम विद अ वेरी वेरी लेस स्पेंड। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट to work with us in terms of helping you grow your business to the next level with our advertising agency, click the link below and watch my 20-minute video and book a call with my team. All right, I'll see you again next time.